वो संविधान में एससी एससी ओबीसी वर्गों को कुछ प्रॉमिसेस दिया गया। आज पैनल डिस्कशन का मुद्दा यह है, जो प्रॉमिसेस संविधान से एससी एससी ओबीसी को दिया गया वो प्रॉमिसेस पूरा करने में फ्रेटर्निटी भाईचारे का रोल क्या होगा, भाईचारे का रोल कैसा होना, ताकि ये पूरा प्रॉमिसेस हम फुल्ली डिलीवर कर सकें। ये है आज पैनल का मुद्दा। मेरा रिक्वेस्ट ये है हमारा पैनल मेंबर्स एक मुद्दे पर फोकस करिए, वो प्रॉमिसेस पूरा करने में ये भाईचारे का फ्रेटर्निटी का रोल क्या होगा। मैं एक ब्रीफ लेऊंगा भाईचारे के बारे में। बाबा साहब ने ये फ्रेटर्निटी ये प्रीएम्बल में बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि बाबा साहब का कन्विक्शन है विदाउट फ्रेटर्निटी जस्टिस और इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल टू सिक्योर। ए भाईचारे ए फाउंडेशन वैल्यू है और बाबा साहब ने कहा फ्रेटर्निटी इक्वालिटी और जस्टिस एक ट्रिनिटी है। सो एससी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज सभी को एक प्रायोरिटी होना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी का रोल क्या होगा, हमारा हक हम सिक्योर करने में। बाबा साहब ने कहा ये भाईचारे में दो डायमेंशन है, एक इंडिविजुअल डिग्निटी और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। व्हाट इज देयर कनेक्शन विद द प्रॉमिसेस वी गेव टू एससी एसटी ओबीसी। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमारा एससी एसटी ओबीसी कई लोग सोचते ये यूनिटी इंटीग्रिटी का बात हिंदू मुसलमान का बात है, देश का इंटीग्रिटी का बात है, ये हमारा बात नहीं है। ये सही सोच नहीं है, क्योंकि विदाउट राष्ट्र एकता और अखंडता हमारा एससी एसटी ओबीसी इज नॉट एबल टू सिक्योर देयर राइट्स। ये कन्विक्शन हमारा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज में आना पड़ेगा। इसलिए मैं ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स पर आप विचार विमर्श करिए। सबसे पहले व्यक्ति गरिमा एससी एससी ओबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल उनका स्टेटस क्या है, व्यक्ति गरिमा पर हमला कैसा हो रहे, कैसा हम उनको फेस करेंगे, एक प्रश्न है। दूसरा बात यह है कि एकता अखंडता हम एससी एसटी ओबीसी उनको कैसा इंटरनाइज करेंगे, ये एकता अखंडता स्ट्रगल में हम भी कैसा पार्टिसिपेट करेंगे,
ये इस पर आपका विचार विमर्श रखे। पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात पर आपका दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के सामने एक एक्शन फॉर एजेंडा, एजेंडा फॉर एक्शन कुछ है क्या? जो प्रोमिसेस कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये पूरा प्रोमिसेस दिलवाने के लिए कुछ एक्शन प्लान है, एजेंडा फॉर एक्शन कुछ है, इसी बारे में भी हम बात करना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेरा सोच ये है, मैं कई महीनों से ये सोच मेरे मन में है, क्या हम हर एक गांव में कांग्रेस पार्टी हर एक गांव में एक बहुजन कांग्रेस कमेटी क्यों ना हम स्थापित नहीं करें? हर एक गांव में एससी एसटी ओबीसी को मिलके एक बहुजन कांग्रेस कमेटी हम एस्टैब्लिश करें तो क्या इस पूरा मुद्दे गांव स्तर पर हम चर्चा कर सके? क्योंकि हर एक गांव में एससी एसटी ओबीसी एक प्लेटफॉर्म पर आके ये मुद्दे पर चर्चा करें तो वो मजबूत होगा। ये सोच पर भी आपका आपका विचार विमर्श रखिए। पहले मैं ये कहा, ये व्यक्ति गरिमा, हम केवल ये व्यक्ति गरिमा का नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, केवल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं है, मगर ये व्यक्ति गरिमा का स्कोप हम एक्सपेंड कर, केवल दो मिनट में मैं मेरा बात समाप्त करना चाहते हैं। ये व्यक्ति गरिमा का स्कोप हम कैसे एक्सपेंड करना, क्यों एक्सपेंड करना? मेरा ख्याल में गरिमा ये बात है, हमारा देश का वेल्थ में क्या हमको हिस्सेदारी है? आर वी गेटिंग आवर ड्यू शेयर इन आवर नेशन सेल्फ? इफ यू आर नॉट गेटिंग आवर ड्यू शेयर इन आवर नेशन सेल्फ, इट इज ए मैटर ऑफ डिग्निटी टू अस, इट इज एन इश्यू वेयर आवर डिग्निटी इज कॉम्प्रोमाइज। सो कैन वी स्टार्ट लुकिंग एट this issue, क्या in the nation's wealth, whether SCs are having their due share, whether SCs are having their due share, whether OBCs are having their due share, these questions we need to understand, and we need to understand this as a issue of dignity. If we don't have our due share in our nation's wealth, it is a matter of dignity to us. Our dignity is compromised. We need to start looking on those lines. So I would like to request the panel members to reflect on these issues. पहले मैं प्रोफेसर राजकुमार हंस जी को बुलाना चाहते हैं। ये मुद्दे पर आप इधर रह के आप बात बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 37 साल बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ। तो गुजरात, मोदी के गुजरात में नहीं, गुजरातियों के गुजरात में मैं रहा, बहुत आनंद लिया, बहुत संघर्ष किए, और ख़ास करके जो कम्युनलिज्म का जहर है, नफरत का जहर है, उसके सामने हम लगातार संघर्ष करते रहे। इस वजह से मैं सिर्फ आम चेयर इंटेलेक्चुअल में एकेडमिक को नहीं रहा, साथ में कर्मशील भी रहा हूँ। तो आज का जो विषय है बहुत सीख है, बहुत बढ़िया है, संविधान के इर्द-गिर्द है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज खतरा जो मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है,
वो संविधान के ऊपर ही तलवारें लटक रही हैं। हम आप सब समझ रहे हैं ये पूरे के पूरे मुद्दे जो सुबह से हम सुबह सुनाई का हूँ बात दोपहर से जो सुन रहे हैं उन पर विचार चर्चा हो रही है। बहुत बढ़िया है क्योंकि संविधान के साथ जुड़े हुए हैं। मामला समानता का है, लिबर्टी का है, जिसको आजादी का है, या भाईचारे का है, फ्रेटरनिटी का है। तो ये सारे हमारे जो विरासत है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो जड़ है, वह भारत के पूरे उसके पास की बात कर रहा हूँ कि बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। ये सारी चीजें जब बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर संविधान रच रहे थे तो उनकी बेसिक फिलॉसफी यही थी कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड पूरा जो भाईचारा फ्रेटरनिटी है। तो बहुत सारे लोग ये समझते रहे कि वो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो नारा था वो शायद वहां से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट देखा कि ये सारी विचारधारा जो है वो मैं बुद्ध से देखता हूँ, सारी की सारी वहां छिपी हुई। अभी का जो विषय है हमारा फ्रेटरनिटी का, भाईचारे का, ये सारे का सारा बुद्ध विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। होता भी उसको मेत्ता कहा था, मेत्ता मैत्री भी उसको कहा गया, तो ये सारी की सारी वहां पर है। तो जिस तरह के ये एगेलिटेरियनिज्म हमें वहां मिलता है, खास करके बुद्ध के जमाने में, उससे पहले हमारी जो सभ्यता थी हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी और उसके बाद कुछ आगमन होता है लोगों का, क्योंकि पंजाब की धरती जो है इसको समझना, इसके इतिहास को, इसके आज के हालात को समझने के लिए हमें इसकी ज्योग्राफी को बहुत ध्यान से देना, ध्यान में रखना पड़ेगा। और ज्योग्राफी ने जो इतिहास की एक प्रक्रिया चलाई है उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आज की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो बुद्ध धर्म खुद वक्त के बहुत समय बीता, उसके बाद पंजाब की धरती में सिख धर्म का फैलाव हुआ, बाबा नानक से लेकर पूरे 10 गुरुओं ने इस धरती को, चाहे वो खत्री परिवारों से आते थे, बड़ी जातों से आते थे, लेकिन उनके मैं ज्यादा विचारों में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने अहम जो है हौमे है, जो ईगो है उसको कंट्रोल करने, खास करके जो जाति का, बड़ी जाति होने का अहंकार है उसको काबू करने की उन्होंने बात की, और निम्रता से पेश आने की बात, भाईचारे की बात की। फर्क नहीं होना चाहिए, उसी प्याले में बिना धोए हुए मुझे भी 5 प्यारों शिष्यों को कहा कि उसी प्याले में मुझे भी वही अमृत हो। तो बहुत बड़ी बड़ी बात थी, एक तरीके का बहुत बड़ा ये इंकलाब जो है विचारधारा ने टूट करके दिखाया गया। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता, इसका पहिया जो चलता है तो बड़ी बड़ी विचारधाराएं उसमें खो जाती हैं, उसका नुकसान होता है। तो हम देखते हैं कि गुरुओं के वक्त जो एक नई स्पिरिट फूटी गई थी इंसान में, कईयों को बाहर बनाया गया था, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अपने बंदा सिंह बहादुर के बहुत कम समय के राज्य में जो 6 साल का था, लेकिन बहुत सारा उसको फर्स्ट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि उसकी विचारधारा गुरुओं के विचारों के साथ जुड़ी थी। लेकिन वही विचारधारा जो है इसका पतन होने लगता है 18वीं शताब्दी के मध्य से लेके, जब से मिसरे बनने लगती है, 72 की ओर पाँव बढ़ने लगते हैं, और सॉरी उस निर्णय में जाना चाहता, क्योंकि बात यह है कि जब इसमें विघटन आया उसमें जो बिल्कुल नकारता आई, सिक्खी का ब्राह्मणीकरण हो गया, वो
राजा रणजीत सिंह के महाराजा रणजीत सिंह के काल में हो गई, उसी तरीके से अशोक की बीमारी लग गई और ये बढ़ती चली गई। यहाँ तक के जो खालसाई रूप में गलत थे उनका दरबार साहब गोविंद कल्पर में आना जाने पर भी पाबंदियां लग गई, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बात बड़ी है कि जो भाईचारे की बात चली थी, खास करके मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हाशिया पर धकेले हुए लोग थे उनको सेंटर में लाया गया लोगों में और उन्हीं को बाद में हाशिए के बाहर कर दिया गया। जो आज मैं एस सी एस टी और ओबीसी की बात कर रहे हैं तो वो जो है जो दशा जो हुई है वो 1960 में हुई। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अपने पंजाब के इतिहासकारों ने सही तरीके से उसके जवाब नहीं दिया है कि जो जमीन का मसला है बहुत अहम मसला है। उसमें मैं कहूँगा कि सिखों ने खास करके जाटों ने बहुत बड़ी साम्राज्य की सेवा की, क्योंकि फौज में भर्ती हुए तो 1900 में पूरी इंडियन जो एंग्लो इंडियन आर्मी थी उसमें 60% जो पंजाबी थे और उसमें उसकी बड़ी संख्या में सिख थे और उसमें भी बड़ी तादाद में जाट थे और उनको दो अवार्ड दिए गए उनकी सेवा के लिए, उनकी चाकरी के लिए। एक तो नहरी कॉलोनियां जो पश्चिमी पंजाब में पड़ती हैं उनको फ्री में दी गई जो उन्होंने सेवा प्राप्त की थी और एक पंजाब लैंड एजुकेशन एक्ट बनाया जो 1900 में जमीन का, इसलिए कह रहा हूँ कि जमीन सारी सारी एक तबके को दे दी गई और वो उसकी सरदारत अभी तक कायम है। और इसको चैलेंज करने के लिए संविधान में सबको एक तरीके के अधिकार है। 1961 में एक कानून बना पंजाब में कि जितनी शानदार जमीन है, एक कॉमन लैंड होती है पंजाब गांव में, उसका तीसरा हिस्सा जो है दलितों का हक बनता है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जाटों ने कभी वो भी नहीं लेने दिया। उसका संघर्ष की लंबी लड़ाई है, खास करके मालवा में बहुत बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ये बातें जो भाईचारे की है, जो गुरुओं ने बताई थी, जो उससे पहले बुद्ध ने बताई थी, वो सारी की सारी तहस नहस हो चुकी है, चर्चा हुई पड़ी है। लेकिन इसको पैदा किया जा सकता है, उसे संविधान भी पैदा कर सकता है, इसलिए हमें इस पर केंद्रित होना मुझे माफ करना कि बातें बहुत कर रही हैं। पहले वाले कहने में कुछ ज्यादा ही कहने के लिए राजू जी खड़े हैं, हम पर तो पीछे परिवार में लग रही है। बहुत बहुत और ये पंद्रह मिनट में स्टेज पर आइए, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है दूसरा पैनल मेंबर्स केवल 5 मिनट लेके आप समाप्त करना, क्योंकि राहुल जी 15 मिनट में स्टेज पर आए। थैंक यू। वंचित है रिसोर्सेज से। सबसे पहले किसी भी देश साम्राज्य में जो लड़ाई है पूरे विश्व में, उसको मैं अगर पॉइंट करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के कब्जे की लड़ाई है, जिसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल और सोशल। ये सभी प्रकार की मूवमेंट्स जितने भी पूरी दुनिया में आज तक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के कब्जे की लड़ाई। तो आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पिछले 2014 से तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक फ्यूडल क्लास की तरफ खेले जा रहे हैं। डेलिब्रेटली और परफेक्टली एक प्लानिंग के तहत भारत के जितने भी संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो फ्यूडल क्लास के कब्जे में जा चुका है और बदस्तूर हो जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है जो हमें टॉपिक दिया गया है एससी एसटी ओबीसी की भारत में दशा और दिशा 75 सालों में संविधान के लागू होने के बावजूद वो आज भी बदतर हालात में क्यों है। सबसे पहले अगर संविधान का सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है, आज फ्यूडल क्लासेस अपनी पूरी शिद्दत के साथ भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को उस डार्क एज में ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं जो
जो सदियों पहले यहाँ पे राज कर रहे थे, जो भारत के नागरिकों को उनके हकों से वंचित किया जा सके। रिसोर्सेज तो बहुत दूर की बात है, अभी ऑलरेडी डॉक्टर हंस जी ने आपको बताया है कि रिसोर्सेज जिनपे हमारे समाज के लोगों का हक और हकूक नहीं था, बड़ी मुश्किल से उनको मिले। पंजाब में सिक्की के तहत उनको जमीनें प्राप्त हुई, परंतु फिर उन पर कब्जा एक अलग से फ्यूडल क्लास के पास चला। तो सबसे बड़ी जरूरत जो है बंधुता की, फ्रटर्निटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उसका बेस भारत जो है बेसिकली जम्बू द्वीप, जिसको सभी साथी अगर जानते हैं, कितने जानते हैं, नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। भारत का जो इतिहास है, भारत नाम से ही शुरू होता है। भारत जो संविधान में बाबा साहब ने और पूरी संविधान सभा उससे सहमत थी, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया इज भारत। जो आज इस देश के हुक्मरान और ज्यादातर लोग इसको हिंदुस्तान बुला रहे हैं, फ्यूडल क्लासेस हिंदुत्ववाद के नाम पे इसको डार्क एज में एक अंधेरे कुएं में धकेलने के लिए तत्पर है। हर कोई इसको हिंदुस्तान के नाम से पॉइंट कर रहा है। मैं अफसोस जाहिर करूंगा, जिस सभा के लिए हम यहाँ बैठे हैं उनमें भी बहुत से नेता भारत को हिंदुस्तान बुलाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेके, और मैं उनसे अपील करूंगा, जो हमारे नेतागण हैं, जो समाज को दिशा निर्देश देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे से इस हिंदुस्तान शब्द को अपने वक्तव्यों से, अपने भाषणों से खत्म करें। नहीं तो हमें लगेगा कि वो सच्चे मन से संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर संविधान का सम्मान करना है तो हिंदुस्तान का शब्द सबसे पहले अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने भाषणों से खत्म करना होगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय की कमी है, बाकी श्रोतागण का निर्माण होगा। जब तक एक एक नागरिक अपने को भारतीय नहीं महसूस करता, बंधुता को अपने दिल में नहीं समाता, तब तक हम भारत का जो उद्देश्य है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। मेरे ख्याल से थैंक यू सभी साथियों का धन्यवाद। रिसोर्सेज की क्या हालत है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी को। यहाँ भारत में आज हमारी जो दशा है बुद्धिस्टों की, बहुत बुरी कर दी गई है। यहाँ पे अभी हंस जी ने भी बात की थी कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहले यहाँ पे इक्वालिटी की बात की थी, लेकिन बुद्धिज्म में पूरी तरह से इक्वालिटी की बात की जाती है। आज हमारे कुछ मुद्दे हैं, मेरे कुछ डिमांड्स हैं, मैं सीधा उसी पे फोकस करूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। राहुल जी को आके यहाँ पे बात करनी है, अपने मुद्दे रखने हैं। मेरा पहला मुद्दा है कि हमारे पास, हमारी बुद्धिस्टों की आज तक भी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं है, जबकि हमें सुप्रीम कोर्ट में हमने अपना पिटीशन दाखिल किया था ये 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया। सरकार को अंधी गहरी और भूमि सरकार को कहा गया कि इनका पर्सनल लॉ बनाइए, लेकिन जिनको जुमलों की आदत है उन्होंने, हमें भी कोई बात नहीं, पर आज तक नहीं हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं बना है। सेकंड मुद्दा है मेरा, बुद्धिस्ट बोर्ड होना चाहिए हमारा। तीसरा हमारा मुद्दा है, हमारा जो देखिए बुद्धिस्टों का जो एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये महाबोधि विहार बहुत गया में, जिसको ना केवल भारत के बुद्धिस्ट बड़े के बुद्धिस्ट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो एक कम्युनिटी के कब्जे में है, और उसके लिए हम अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे महाबोधि विहार की मूर्ति का आंदोलन अभी तक जो हमारा चल रहा है, हमें न्याय नहीं मिला है। और मेरे हमारी जितनी भी अभी तक पार्टीज हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जितनी भी पार्टीज हैं, इसमें माइनॉरिटी सेल में बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर हमारी सत्ता बदलती है और इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो अपनी पार्टी में हमारे माइनॉरिटी सेल में बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव को भी रखा जाएगा। अभी तक हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा या फिर राज्य में जाके देखें तो विधानसभा और विधान परिषद में कहीं पर भी किसी भी
थी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी बात पार्लियामेंट में या विधानसभा में उठाई जाए, लाया जाए, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन भाषा, सब तमाम भाषाओं की जननी पाली भाषा, और इसको बिल्कुल ही इसको हाशिए पे बचा दिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा जो भी हमारे सत्ता आगे आके हमारे देश को संभालेगी, जो भी पार्टी हमारे देश को संभालेगी, ये पार्टी हमारी पाली भाषा को भी सम्मान और न्याय देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे कहना चाहता हूँ। शर्मिला जी, अब इस चैनल के आखिरी स्पीकर नरपाल सिंह जी आएंगे। आज के इस कार्यक्रम के बहन सुभाषी जी और हमारे पैनलिस्ट के जो चेयरमैन के राजू जी और सभी साथियों का धन्यवाद, माता शक्ति का धन्यवाद, सभी साथी आए, सबसे ज्यादा धन्यवाद उन साथियों का जो बीच में दोनों चेयर के बीच में नीचे बैठे हैं, सबसे ज्यादा धन्यवाद उनका करता हूँ सर, धन्यवाद सर। साथियों, अभी बाबा साहब के संविधान को बताने की चर्चा सुबह से आज इस कार्यक्रम में, संविधान को बचाने का काम शुरू कर दिया है। हम देख रहे हैं हरियाणा में दलित समाज पहली बार एकजुट होकर के हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने तो संविधान को बचाने की बात उठाई है, उस पर मोहर लगाने का काम हमारे हरियाणा के दलित समाज के भाइयों ने शुरू कर दिया है। एकजुट होकर के इस लोकतंत्र के क्रम में वो आहुति 25 का बैकवर्ड में भी थोड़ी सी कमजोरी है, वो बात को अभी पूरी तरह नहीं समझ रहे, बैकवर्ड समझ तो रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं समझ रहे। जिस दिन बैकवर्ड पूरी तरह समझ जाएगा तो इस देश पे कब्जा एससी एसटी ओबीसी जो हमारे देश में 75% है उनका भवन संभव हो जाएगा। हमारा देश है, हम देश के हैं, ये देश एससी का है, देश एससी का है, देश ओबीसी का मानव भी है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमारे देश में जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, रिजर्वेशन को जो खत्म करने का रास्ता इस सरकार ने किया है वो हमारी समझ में अब आया है 9.5 साल में। अभी देखिए नौकरी मिलती थी, परिवार का पालन पोषण होता था और सामाजिक सम्मेलनों में हमारे साथी अपनी गाड़ी ले जाते थे। अभी रिजर्वेशन नाम की कोई चीज रही नहीं है हरियाणा के लिए, हरियाणा में नौकरियां पूरी तरह खत्म कर दी गई है और जो नौकरियां मिल भी रही हैं, पहले डीसी रेट पे मिलती थी उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं थी साथ में, फिर नौकरियां अब एसटीआर के थ्रू लग रही है, एक भी रिजर्वेशन राजू साहब उसमें नहीं है, एक भी रिजर्वेशन नहीं है। ये बात अब समझ में आई, हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कि एक तरफा समाज कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी जी की बात पर मोहर लगाने के लिए तैयार बैठा है। 25 तारीख क्या बात हो रही थी कि सुविधाएं दी जाएंगी, बीएनपी के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, एससी के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, ओबीसी के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। राजू जी देश की सबसे बड़ी पार्टी के कर्णधार, मैं बताना चाहता हूं मेरा सौभाग्य है कि मैं चैनल में राजू जी के साथ राजू जी पहले को शेयर करेंगे। सुविधाएं कोई भी सरकार आए खत्म कर सकती है और की भी है। मैं पंचायती राज में था, वीडियो ऑफिस में था, मैंने खुद देखा है, कांग्रेस के राज में जो बजट आता था 31 मार्च तक उसको खर्च करना पड़ता, लेकिन पिछले 10 सालों से जो बजट आता है 31 मार्च को लगाया नहीं जाता, वो लैप्स होकर के वापिस चला जाता है, क्योंकि विकास नहीं है सुविधाएं देने से, इन समाजों का संविधान सुविधाएं देने से काम चलने वाला नहीं है राजू साहब, अधिकार देने से काम चलेगा, अधिकार देने अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कानून बनेगा, अधिकार बनेगा। अभी देखिए बहन सुभाषी जी कह रही थी और राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारत का हक मिलेगा
मैं पंचायती राज में था, राजू साहब को बताना चाहता हूं, बहन को बताना चाहता हूं कि जब हमने वहां देखा सिर्फ रिजर्वेशन के सरपंच ही बनते थे कि इन गांव में तो अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है, यहां तो ओवन में भी बन सकते हैं। बताना चाहता हूं साथियों, जब से प्रैक्टिकल किया हमने एक बार इस चीज को चलाया और छह पंचायतें ऐसी थी जहां पे ओवन में सबके सरपंचों को बनवाया था। पंचायती राज में नौकरी की है और नौकरी के बाद मैंने सामाजिक संगठन हमारा है गडरिया समाज से हूँ और मैंने प्रश्न पर गृहपति पालने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी स्टेज पे यहाँ बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने बाबा साहब को माना है, बाबा साहब की बातों को अमृता में पहनाने का काम किया है। इसलिए अगर मैं बाबा साहब को न पढ़ा होता तो मैं कहते यहाँ आता, मैं कहीं गृहपति चलाता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह पाल जी। एक बार सारे पैनलिस्ट प्लीज के राजू सर, वन फोटोग्राफ विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।